अशोकनगर में सामान लेकर अपने घर जा रहे एक युवक को सामने से आने वाली बस ने जोरदार टक्कर मार दी। सड़क हादसा होने के बाद मौजूदा लोगों ने 108 को सूचना दी, लेकिन एक घंटे से अधिक समय तक बीत जाने के बाद भी 108 वाहन नहीं पहुंचा, जिसके कारण युवक ने सड़क पर ही दम तोड़ दिया, जिस पर गांव के लोगों ने सड़क पर हंगामा करते हुए शासन और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बेलई गांव निवासी संजीव लोधी शनिवार को सामान लेने के लिए अथाई खेड़ा आया हुआ था, जहां सामान लेने के बाद युवक अपने घर जा रहा था। जैसे ही वो अपने गांव बेलई के पास पहुंचा तो मुंगावली से अशोकनगर की ओर आ रही बस ने जोरदार टक्कर मार दी। भिड़ंत इतनी तेज हुई कि युवक की गंभीर हालत हो गई और वो सड़क पर ही पड़ा रहा। बस चालक हादसा होने के तुरंत बाद बस को छोड़कर मौके से भाग निकला। गांव के लोग इकट्ठे हुए और 108 को जानकारी दी, लेकिन काफी समय तक 108 वाहन न पहुंचने के कारण युवक ने सड़क पर ही दम तोड़ दिया। इस दौरान घटना से नाराज ग्रामीणों ने सड़क पर ही नारेबाजी कर दी। काफी देर के बाद घायल को निजी वाहन से जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज़।